नाज़रीन पंजाब में बारिशों के बायस निचले दर्जे का सैलाब जो है वो उसका अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि आपको इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात जो हैं इससे आगाह करेंगे कि निचले दर्जे का सैलाब इस वक्त कहाँ पे है, क्या सूरत हाल है। तो वीडियो के आगाज में आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ आपको मौसूल होती रहें। पंजाब में बारिशों के बाद दरिया सिंध में चश्मा बराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के पेश नज़र रिलीफ कमिश्नर्स जो हैं पंजाब, उन्होंने तमाम मुतलका महकमों को हिदायत जारी कर दी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आज से कल तक मजीद जो है वो बेशतर अजला में बारिशों का मजीद जारी रहने का जो है इम्कान है, जबकि लाहौर रावलपिंडी सरगोधा फैसलाबाद गुजरावाला झंग मरी कलियात अटक चकवाल चेहलम खुशाब कसूर सियालकोट और गुजरात और नारोवाल में भी जो है गरज चमक के साथ जो है बारिश रहने का इम्कान है, जबकि बारिश के बायस चश्मा के मकाम पर दरिया से मुंसलिक जो नहरें हैं उनमें पानी की सतह जो है वो बुलंद है और PDMA ने जो है वो इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि पानी की सतह बुलंद होने से नहरों से मुंसलिक जो इलाके हैं वो जेरे आ पाने का खदशा है। इसी तरह आंधी झक्खड़ गरज चमक और बारिशों के बायस कमज़ोर जो घर हैं कमज़ोर मकानात हैं खस्ता हाल जो इमारतें हैं उन्हें नुकसान जो है पहुँच सकता है, जबकि नशेबी इलाकों में बसने वाले जो लोग हैं उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है, जबकि फ्लड फाइटिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स जो हैं वो ज़रूरी मशीनरी के साथ जो है वो 24 घंटे अलर्ट रहें। इससे पहले भी हमने देखा कि मॉक एक्सरसाइज जो है फ्लड से निपटने के लिए मुमकिन है जो सैलाब से निपटने के लिए जो है वो इकदाम इस रवा जो है वो पहले से ही जो है वो किए गए हैं, जबकि नशीबी इलाकों से मवेशियों को मुंतकिल और वैक्सीनेशन के हवाले से भी बंदोबस्त पहले से ही होना चाहिए। इस हवाले से इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, जबकि हंगामी हालात में जेर आब आने वाले जो इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल जो हैं वो किए गए हैं। वबाई अमराज से बचने के लिए भी जो है वो इकदाम किए गए हैं, ताकि अगर कोई फ्लड की जो सूरत हाल मतलब एक्सपेक्ट होती है फ्लड आता है तो उससे पहले जो है वो इकदाम किए जा सके, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ऐसी सूरत हाल में इस वक्त जो है वो पाकी दरियाओं में तो सूरत हाल मामूल के मुताबिक दरिया जो है वो बह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पानी की सतह वहाँ बुलंद हो भी सकती है, लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो है जी चश्मा बराज के मकाम पर निचले दर्जे का जो सैलाब है वो एक्सपेक्ट जो है वो किया जा रहा है, और आपको मजीद जो है उस सैलाब से पल पल की खबर जो है उससे आगाह करेंगे। तो मजीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपको मौसूल होती रहे। जी हाँ।